खबरों में बात करते हैं हरियाणा के करनाल की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 तारीख को रोहतक में होने वाली रैली के अवसर पर गैस टीचर सामूहिक आत्मदाह करेंगे। नैना यादव प्रदेश अध्यक्ष अतिथि अध्यापक संघर्ष समिति हरियाणा के करनाल में हुए घटनाक्रम में आज अतिथि अध्यापक संघर्ष समिति की प्रदेश अध्यक्ष महिला यादव ने पानी की टंकी पर फिल्मी अंदाज में चढ़कर आत्मदाह करने की धमकी दी। उसके उपरांत पूरा प्रशासन प्रशासनिक अमले के साथ मौके पर पहुंचा और मैना यादव को सकुशल टंकी से उतारने में कामयाब रहे। इसके बाद टंकी से उतरने के बाद मैना यादव ने ऐलान किया कि अगर मुख्यमंत्री उनकी मांग को पूरा नहीं करते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में वह सामूहिक आत्मदाह करेंगे। मैना यादव ने कहा कि सरकार द्वारा उनके पति शहीद होने के बाद भी उनको कोई भी सरकारी सहायता नहीं दी जा रही है। इस मौके पर उपस्थित सभी अतिथि अध्यापकों ने नरेंद्र मोदी की रैली 8 सितंबर को सामूहिक आत्मदाह करने का ऐलान किया है। यहां हम आपको बता दें कि करनाल में अतिथि अध्यापक संघर्ष समिति का आमरण अनशन चला हुआ है, जिसमें 2 अध्यापक लगभग बुरी तरह बीमार चल रहे हैं। उसी कड़ी में आज शिक्षा मंत्री का पुतला जलाया गया एवं विरोध प्रदर्शन भी किया गया। झूठे जुल्मों की सरकार आई है, झूठा वादा खिलाफी करती, घोषणा पत्रों में मीडिया के माध्यम से समाचार पत्रों में सारे वाहवाही लूट ली। यहाँ कल मेरे को एसपी साहब बोले, बोले मैडम जी यहाँ सीएम हाउस में घेराव कर रहे हो आप, एसपी का घेराव कर रहे हो, ऑफिस का यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ लोगों के तो दिमाग में घुस रहा कि ऐसे ही मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री ने लोगों के माइंड में घुस दी। आम नागरिक से पूछ लो इन भाई दुकानदारों से, अरे गैस तो परमानेंट हो गए, 58 साल तक इनकी नौकरी होगी, अरे देखो इनकी इनकी तो ट्रांसफर भी नहीं होती, पक्कियों की तो ट्रांसफर भी कर दी, इनको क्या पता है कि हम तो वही बैठे हैं जहाँ पहले 2005 में। तो ये जो सरकार कहती है समान काम समान वेतन विज्ञापनों में दिया कि हम दे चुके हैं, हाँ जी, इसमें क्या सच्चाई है? मिलता है हमें कोई समान काम समान वेतन नहीं मिलता, हम ये चाहते हैं कि हमें समान काम समान वेतन मिले और नियमितीकरण की पॉलिसी बनाई जाए। और आपने जो आज इतना बड़ा कदम उठाया, मेरी बात सुनो भाई, मीडिया वाले साथियों मेरी बात सुन लो, भगवान की पूजा सारा करो है ना, उन्हें भी पैसा चाहिए, अगरबत्ती खातर, तू घी खातर, धूप खातर, यहाँ चंदन खातर, यहाँ फोटो खातर, यहाँ फेर करा हक भगवान की पूजा वैसे कर लिया, करना तो पड़ता है कोई सिस्टम, तो मैं इसका पेट कहाँ से भरूं, मैं कमाऊंगी मेरी नौकरी से बाकी तब तो इसका लालन पोषण करूंगी, मेरे पास आखिरी हथियार यही था भाई। और आप बता रहे थे भी आपके जो पति हैं शहीद हुए उनका भी कोई पैसा ना जी, 10-10-2016 का मेरे पति शहीद हुए थे, आज तक मुझे कुछ एक चवनी नहीं मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन वगैरह कुछ कुछ नहीं, मैंने पता नहीं कितने धक्के खा लिए उनके सीजीओ कॉम्प्लेक्स में, उनके जो हेड ऑफिस होते हैं, उनके जो कमांडेंट होते हैं, ईमानदार सरकार खाएगी। तो जो मैडम ये दावा करते हैं जो ये सब झूठे हैं, जो बीजेपी गवर्नमेंट है झूठा बुलंदा है जी, साथ नहीं है इसमें क्या सच्चाई है? ये कर्मचारियों की सबसे बड़ी दुश्मन सरकार है, ये कर्मचारियों की विरोधी सरकार है, कर्मचारियों के लिए झूठी है, झूठे वादे करती है, कोई पूरा वादा नहीं करती भाई, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, आज ही बोल रहे हैं देश का अगर आपकी मांग को अब नहीं माना जाता क्योंकि 10 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है, सुन लो रे, 8 सितंबर को आपके नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री लोगों के दिल में बसने वाले नरेंद्र मोदी, मैं दाह संस्कार उसकी रैली में सामूहिक अकेली मैं ना यादव नहीं सामूहिक आत्मदाह होगा, बच्चा गल पत्नियां गल सामूहिक विरोध करेंगे उसकी रैली का, बीबी बच्चों गल करेंगे भाई, रोक ले देख पहले विरोध करेंगे फिर सामूहिक आत्मदाह करेंगे, आपने रोक लिया भाई प्रशासन चैलेंज है। ओके, पारस शर्मा प्रधान महासचिव हरियाणा अतिथि अध्यापक संघर्ष समिति, हमारी गेस्ट टीचरों की एक ही डिमांड है कि गेस्ट टीचरों को रेगुलराइज किया जाए। चुनावी घोषणा पत्र में 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम गेस्ट टीचरों को रेगुलराइज करेंगे, लेकिन तभी से लगभग 5 साल से गेस्ट टीचर हटते रहे और लगते रहे, अब भी एक्ट के नाम पर हरियाणा सरकार ने धोखा दिया है, उस एक्ट में कुछ भी नहीं है, उस एक्ट के अनुसार 26, 30 और 36 सैलरी मिलती है जबकि रेगुलर टीचर के मुकाबले में वो आधे से भी कम है, जबकि हरियाणा सरकार इस बात की वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने कितने दिन से बैठे आप करनाल में? हमें पिछले 5 दिन से करनाल में बैठे। आज क्या क्या कार्यक्रम रहा है? आज हम यहाँ काला दिवस मनाने के लिए आए थे और माननीय शिक्षा मंत्री की शव यात्रा निकालकर उनका पुतला फूंक रहे थे, तो बहन जी यहाँ टंकी पर चढ़ गईं और उन्होंने आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन हम सभी ने उनसे आग्रह किया, उन्हें समझाया, उनके एक चिराग पुत्र ने आग्रह किया ये शहीद की पत्नी है आपकी, वो कलंकित काम ना करें, तो बहन जी हमारा आग्रह से उतर आई।
तो प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने अभी तक हमें कोई किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया है। प्रशासन तो ये चाहता है कि बहन जी को काउंसलर के द्वारा पागल घोषित करवा दी जाए। तो आप क्या क्या आगामी कदम रहेगा? आगामी कार्रवाई हमारी ये है कि आने वाली 8 तारीख को हम सभी रोहतक इकट्ठे होंगे और रोहतक रैली में एक टीम बनाकर मुख्य प्रधानमंत्री की रैली का भारी विरोध किया जाएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।